लोग हमेशा ये पूछते हैं, अरे भोले बाबा आप इतने ऊपर पहाड़ों में क्यों बसे हैं? अब आप ही बताइए, अगर भोले यहाँ नहीं आते तो क्या कभी हम यहाँ आ पाते? और धरती में रहते हुए क्या कभी ये स्वर्ग देख पाते? पंच केदार की यात्रा करते हुए अब मैं आ चुका हूँ सगर विलेज, जहाँ से हमारे रुद्रनाथ बाबा के दर्शन करने का सफर चालू होगा। सगर विलेज से रुद्रनाथ मंदिर की दूरी है 18 से 22 किलोमीटर और सारे पंच केदार में रुद्रनाथ को ही सबसे टफ ट्रैक माना जाता है। रुद्रनाथ में आपको देखने मिलेगा भगवान शिव का चेहरा। हेलो एवरीवन, जय श्री केदार। सो यार, हमारा चौथा केदार पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि है रुद्रनाथ। और रुद्रनाथ जैसा नाम है उस हिसाब से इतना ज़्यादा टफ भी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग जस्ट अभी रुद्रनाथ के मेन गेट के सामने खड़े हैं, जहाँ से हम लोग का ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाला है। और मैं यार एंट्री कल ही करवा लिया था। हमको यहाँ पर एंट्री करवाना पड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और 200 रुपीज़ पर पर्सन जमा भी करवाना पड़ता है। सो चलो यार ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री केदार। सो ये है रुद्रनाथ का मेन डोर, जहाँ से हम एंट्री करेंगे। रुद्रनाथ पैदल मार्ग लिखा है। रुद्रनाथ ट्रैक स्टार्ट होते ही हमें ये छोटा सा गांव दिखता है, जिसके बीच से होते हुए हमें रुद्रनाथ मंदिर की ओर जाना होता है। रुद्रनाथ ट्रैक करते हुए आप सभी को हरे भरे खेत और मैदान देखने मिल जाएंगे। सो रुद्रनाथ में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पक्का रास्ता नहीं है। और रुद्रनाथ में हम लोग जान के थोड़ा आराम से स्टार्ट किए और हम लोग इसमें थोड़ा आराम से जाने वाले। रुद्रनाथ में सिर्फ लिंगा देखने के लिए नहीं जा रहे, जब आप यहाँ रास्ते से जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी हम लोग आते समय ही 2-3 वैरायटी का बर्ड्स देख लिए, तो आप लोग भी आ गए तो बड़े आराम से आइए यार। टाइम आराम से लिए और पूरा ट्रैक करके जाइए। यहाँ पर छोटे छोटे एरो मार्क बना दिए गए हैं, जिससे हम लोग रास्ता देख सकते हैं कि रुद्रनाथ जाने के लिए किस तरफ वे है, क्योंकि जैसे मैं बताया वो भी पक्का रास्ता नहीं है। सर, हमने अभी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया होगा, पर रुद्रनाथ कठिन क्यों है अब मेरे को समझ में आ रहा है। तो देखिए यार, ऐसा सीढ़ी है, ये सीढ़ी ना, इसके वजह से रुद्रनाथ टफ हो जा रहा है, क्योंकि पूरा फोर्स हमारे पैर पे लगता है सीढ़ी चढ़ने के लिए और हमको जल्दी थकावट लगता है। एल्टीट्यूड तो है थोड़ा हाई, बट बिकॉज ऑफ स्टेयर्स। रुद्रनाथ में अगर आपको घोड़ा करना है ऊपर मंदिर तक, तो ये सिर्फ ऊपर जाने का रेट है 5,000 रुपीज़ और ऊपर से नीचे फुल ट्रिप करने का रेट है 8,000 रुपीज़। जब हम ट्रैक कर थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो नीचे का विलेज कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो भाई, ये है हमारा रुद्रनाथ का ट्रैक। अपहिल, पूरा अपहिल हम लोग जा रहे हैं, अपहिल ट्रैक हो रहा है। जस्ट यार थोड़ा अभी रेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि थक गया हूँ। पूरे ट्रैक में आपको बर्ड्स और उनकी ही आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो यार ये है पुंग बुग्याल। पुंग बुग्याल में आपको स्टे मिल जाएगा, वाटर बॉटल, नाश्ता करने का ये सब का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आते हुए आपको शाम हो जा रहा है तो आप आके पुंग बुग्याल में भी रुक सकते हैं। बुग्याल का मतलब होता है ये ग्रीन फील्ड्स,
जो ये ग्रीन फील्ड्स आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं बुग्याल, और ये बहुत सुंदर है यार। सो भाई, पुंग बुग्याल में हो गए हमारे पराठे के ब्रेकफास्ट, और रात को मैंने यार थोड़ा चना भिंगा दिया था, तो थोड़ा मैंने वो खा लिया। अब घोड़े की शक्ति आ चुकी है, तो चलो चलते हैं रुद्रनाथ के दर्शन करने। पुंग बुग्याल के बाद हम लोग वापस से जंगल में एंटर हो चुके हैं। पुंग बुग्याल से पहले भी हम लोग जंगल में थे, उसके बाद फिर पुंग बुग्याल आया, जो कि एक खुला मैदान जगह था जहाँ पर हमने नाश्ता वास्ता किया। अब वापस से हम जब लुटी बुग्याल की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम लोग वापस से जंगल में एंटर हो चुके हैं। यहाँ सनलाइट नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा रॉक स्लिपरी है। सो बी केयरफुल, आप भी जब भी आए थोड़ा आराम से चलिएगा। सर, हमने पुंग बुग्याल से आई थिंक 2.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और जैसे कि साइन बोर्ड मैंने आपको दिखाया, तो उसमें लिखा हुआ था कि 3 किलोमीटर यहाँ से आगे आपको कोई भी पानी का सोर्स नहीं मिलेगा। तो आप जब भी यहाँ आ रहे हैं रुद्रनाथ, ऐसे बोट्स का ध्यान रखना स्पेशली, क्योंकि यहाँ शॉप भी नहीं है मिडिल में, और आपको पानी बोतल भी नहीं मिलने वाला। सो आपको यही पानी पीना पड़ेगा। पानी थोड़ा चिल है, लेकिन अच्छा है, मैंने 2 लीटर पानी भर लिया है, और अभी खड़ी चढ़ाई चालू हो गया है अपहिल ट्रैकिंग। बट सब कुछ ठीक चल रहा है यार, बाबा का नाम लेते हुए हम लोग जा रहे हैं ऊपर, और लुटी बुग्याल पहुँचने हैं। फिर लुटी बुग्याल पहुँच कर थोड़ा रेस्ट लेते हैं, देखते हैं अगर लंच करने का मन हुआ तो लुटी बुग्याल में कर सकते हैं लंच भी। सो यहाँ बस थोड़ा धूप आ रहा है, थोड़ा अभी है तो थोड़ा धूप पड़ रहा है, तो यहाँ का रोड इतना गीला नहीं है और स्लिप भी नहीं हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। सो जी, ये हूँ मैं, और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा पुंग बुग्याल। सो ये है हम लोग टॉप में, और अगर मैं करूँ जूम, थोड़ा और जूम, पुंग बुग्याल हम इतना दूर आ गए हैं। ये दिखा देता हूँ कि हमको, देखो यहाँ से ऐसा ऊपर जाना है और पूरा ऐसा क्रॉस करना है। तो यहाँ पर असल में बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड है, जो कि कैमरा में इतना क्लियर नहीं दिख रहे, लेकिन ये बहुत सुंदर है, इसके कई कलर है। तो यार आप ये चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप कोई से भी यात्रा करने आ रहे हैं पहाड़ों पर, वहाँ से यात्री जा रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर गलती से मेरे पैर से अगर ये पत्थर भी सरक जाता है, तो ये पूरा डाउन हिल है और वो जाके सीधा उनको लग जाएगा। सर, हमारी सेफ्टी और दूसरों की भी सेफ्टी हमारे ही हाथ में है, थोड़ा ध्यान से रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यार एक बार गलती से हो गया कि ये
पत्थर सरक रहे हैं, पता चल रहा है क्योंकि रोड पत्थर लूज है। सो ये वाला ध्यान में रखना बात, और यात्रा यार पूरे सेफ्टी के साथ करिए। जय भोले। सो यार अभी हो रहे हैं दोपहर के 11:30। यात्री जो मंदिर के दर्शन करके वापस आ रहे थे उनसे मैंने पूछा कि लिट्टी बुग्याल कितने दूरी पर है, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा दूर अब नहीं है, 30 मिनट लगेगा यहाँ से पहुँचने के लिए। सो हम लोग लिट्टी बुग्याल के पास में ही हैं, सो में हो सकता है कि 12:30 के आसपास तक हम लोग पहुँच जाए या फिर उससे पहले भी पहुँच जाए। जैसे कि वहाँ पर लिखा था कि पानी का कोई पॉइंट नहीं है, सो हमने कोई भी पानी का सोर्स नहीं देखा जहाँ से हम लोग पानी फिल कर सकते हैं। 2 लीटर मैंने फिल किया था, 1.5 लीटर फिनिश हो चुका है। इट्स गुड टू कैरी एटलीस्ट 2 लीटर वाटर बॉटल। और जल्दी से लिट्टी बुग्याल पहुँचते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि टेम्पल तक जाना है कि आज लिट्टी बुग्याल में स्टे ले रहे हैं। हर हर महादेव। ओह, नेक्स्ट शॉप पॉइंट हमको मिल चुका है। बंदर, मंकी, पंगा नहीं लेते वरना पूरा बैग ले जाएगा हमारा। तो यार ये हमारा एक नया पानी का पॉइंट है, वी कवर्ड 3 किलोमीटर है। टेंट भी लगा हुआ है। सो यार अभी 12:15 हो रहा है और हम लोग यार लिट्टी बुग्याल पहुँच ही गए फाइनली। बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, तो देखते हैं कुछ थाली वाली लेते हैं, दाल राइस लेते हैं, खाते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आज आगे क्या करना है। एंड ऐसा लग रहा था कि बारिश होगा, और बाकी अभी तो आसमान क्लियर हो गया है तो ये एक अच्छा हुआ। सो चलो यार कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रहा है। सो हेलो एवरीवन। सो यार अभी बज रहे हैं 6:00 और कल दोपहर को हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 12:15 में लिट्टी बुग्याल। बट 12:30 से जो बारिश चालू होना स्टार्ट हुआ, 6-7 घंटे चला और पूरी रात भर बारिश हुआ, साथ में बर्फ़ भी गिर रहे थे। तो यार इतना वेदर ख़राब था कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए और हमको लिट्टी बुग्याल में ही रहना पड़ा। 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इन्होंने चार्ज किया टेंट का, और फूड इंक्लूडेड था नाइट का बस। सो डिनर के साथ 600 रुपीज़ पर पर्सन टेंट। एक टेंट में थे 8 आदमी और गरम कंबल मिला था सोने के लिए। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं, जस्ट मेरे पीछे देखेंगे लिट्टी बुग्याल। अब हम लोग लिट्टी बुग्याल के बाद नेक्स्ट आता है पनार बुग्याल, और फिर पनार बुग्याल के बाद आएगा पितृधार, फिर उसके बाद आएगा रुद्रनाथ टेम्पल। पनार बुग्याल में पहले स्टे हुआ करते थे, पहले शॉप हुआ करते थे, पर अब पनार बुग्याल में कुछ भी नहीं है। सो लिट्टी बुग्याल में आपको आखिरी शॉप मिलेगा, लिट्टी बुग्याल के बाद डायरेक्ट रुद्रनाथ के मंदिर के पास मिलेगा, रुद्रनाथ जहां हम लोग एंटर करेंगे। सो अगर आप आ रहे हैं तो आप आ रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सो चलो यार चलते हैं, जय श्री केदार।
लुटी बुग्याल के बाद सारा अपहिल ट्रैकिंग ही है नेक्स्ट 2 किलोमीटर के आसपास। सो आप लोग देख सकते हैं लोग ऊपर जा रहे हैं। आफ्टर दैट थोड़ा स्टीप कम हो जाएगा सो हमको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट लुटी बुग्याल के बाद आप लोग प्रिपेयर रहना अपहिल ट्रैकिंग के लिए। तो ये है जी पुनार बुग्याल। यहाँ पर से पुलिस की चौकी बस है और कोई भी दुकान या फिर स्टे नहीं है, चेकिंग होती है। हमको हमारा रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाना पड़ता है यहाँ। अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है तो आपको यहाँ ऊपर आके पे करना पड़ेगा। सो बेटर आप लोग नीचे ही पे कर लो, वरना यहाँ के लाइन में लग के पे करना पड़ेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं पित्रधार की ओर, जो कि है उस रास्ते पे, और हम लोग जो पनार बुग्याल क्रॉस करके आए हैं वो रहा पनार बुग्याल। अभी हम लोग हैं मनोरम बुग्याल। ये है जो पाथ जा रहा है पित्रधार की ओर। ये आया तो यार अभी 8 बज रहे हैं और मेरे ख्याल से हम लोग पित्रधार के बहुत क्लोज है, एंड चलते चलते थोड़ा भूख लगने लगा। तो मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, मैं बताया था ना चना सोख करके लेके आया था मैं, थोड़े चने भिंगा लिए थे, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। सो मंदिर से पहले तो वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, सो मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं पित्रधार की ओर। तो यार कल हुई थी बर्फबारी और अभी भी हमको ये देखो छोटे छोटे, ये साबूदाना जैसा दिख रहा है, छोटे 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 इतने सारे बर्फ। थोड़ा गंदा हो गया है लेकिन ये है बर्फ, ठंडा हो रहा है।
सो यार हम लोग पहुंच चुके हैं पित्रधार। ये है हाईएस्ट पॉइंट आप जो ट्रैक करेंगे रुद्रनाथ के लिए। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पित्रधार। अब पित्रधार के बाद अब जब हम लोग रुद्रनाथ मंदिर के लिए जाएंगे तो ऑल डाउन है, डाउन हिल है, तो हम लोग को ज़्यादा एफर्ट नहीं लाना पड़ेगा, डाउन हिल आराम से हम लोग जा सकते हैं। पित्रधार वो जगह है यार जहाँ से माना जाता है कि जो भी हमारे पूर्वज होते हैं उनका लास्ट समय होने के बाद वो यहाँ से इसी द्वार से जाते हैं। तो लोग यहाँ पर अपने पितर के मोक्ष के लिए एक एक पत्थर रख देते हैं, और अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, बस एक साइड में कहीं भी यहाँ रख सकते हैं और अपने पितर के लिए मोक्ष की प्रार्थना कर सकते हैं। सो पित्रधार के बाद अब ज़्यादा दूर नहीं है रुद्रनाथ टेम्पल। अभी बज रहा है 8:45। तो हम पित्रधार से रुद्रनाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं, और आप यहाँ देखेंगे आप पूरा फूल लगे हुए, पूरा फूल, एक इसको आप बोल सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर के जैसा ही है। वहाँ दूर तक, जितने दूर तक मेरे नज़र जा रहे हैं ना, सारे तरफ फूल दिख रहे हैं मेरे को, और बहुत सुंदर फूल है। यहाँ देखिए ग्लेशियर से जो पानी आ रहा है, और ये असल में स्नो है, जो कल रात को बर्फबारी हुआ वो नहीं है, ये स्नो है एकदम सॉफ्ट। ये देखो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर मैं अपना हाथ डाल के ऐसा कर रहा हूँ तो है, ये देखिए। और ये यहाँ से उसी का ग्लेशियर का पानी आ रहा है जो हम लोग पीने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत साफ पानी है, ठंडा है ऑफ कोर्स, पर यार ये देख के बहुत अच्छा लगा, प्योर वाइट कलर में है, बस अभी थोड़ा सा धूल पड़ गई है। हर हर महादेव। प्रवाह पावित स्थले गले वलम्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां टमट मट्ट मट्ट मन्निनाद वट्टमर्वयं चकार चंड तांडवम् हेलो एवरीवन, जय श्री केदार। हाँ यार हमारा दर्शन हो गया रुद्रनाथ भगवान का, और असल में हुआ ये चीज़ कि यहाँ पर स्टे अवेलेबल नहीं है और धर्मशाला अवेलेबल है, जो कि दोपहर 3 बजे के बाद पुजारी लोग खोलेंगे। सो हम रुक सकते थे धर्मशाला में भी, ऐसा कोई नहीं था, पर हम लोग यार वापस अभी नीचे जा रहे हैं लिट्टी बुग्याल के लिए। हम थक गए थे और हमारा ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था कि वापस जाने लिट्टी बुग्याल। हमारा दर्शन हो गया, 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 3 बजे मंदिर खुलता है दोपहर में।
यहाँ पास वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है। आसपास भी मैंने पूछा कि क्या ऑप्शन है वॉशरूम का, तो उन्होंने बोला कि यार आपको बाहरी जंगल में जाना पड़ेगा। सो ओवरऑल यार इट्स नॉट पॉसिबल, और हमारे पास टाइम है, संभव भी हम लोग एनर्जी को इकट्ठा करके वापस लूटी भिगाल जा रहे हैं इससे पहले कि मौसम बिगड़ जाए। कल 1 बजे के आसपास मौसम बिगड़ा था, अभी भी 1 बज रहा है। सो आई होप हम लोग पहुँच जाएंगे। जय श्री रुद्रनाथ। तो यार पिछले 2 घंटे से यार बारिश होना चालू हो गया है, और सिर्फ बारिश नहीं हो रहा था, बर्फबारी भी हो रहा था, हेलस्टोम आ रहा था और करे गिर रहे थे, तो यार हाथ एकदम सुन्न हो गया था, जूते पूरे भींग गए हैं। और लेकिन 2 घंटे बाद हम लोग, अभी 3 बज रहा है और हम लोग पहुँच चुके हैं पित्रधार। इसके बाद अब हम लोग पहुँचेंगे पुनार बुग्याल, और फिर हम लोग को पहुँचेगा लिट्टी बुग्याल। सो लिट्टी बुग्याल में हमारा जो है, हम ट्राई करेंगे स्टे करने का। और महादेव ने यार सच में बहुत ज़्यादा शक्ति दिया। मैं भी जब आ रहा हूँ और लोगों को देख रहा हूँ जाते हुए, तो लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं और उनको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है स्टे का। मैं तो भाई थोड़ा सा शक्ति बचा था, महादेव ने और शक्ति दे दिया, मैं यहाँ तक आ गया। नहीं तो यार इतना ज़्यादा चल पाना मेरे बस के में भी नहीं है, लेकिन जो भी महादेव की कृपा है, हर हर महादेव। चलो चलते हैं लिट्टी बुग्याल और वहाँ जाके आज स्टे करते हैं, फिर कल हम लोग नीचे पहुँचेंगे सगर विलेज के लिए। तो यार 5 घंटे के बाद हम लोग यार फाइनली पहुंच चुके हैं लिट्टी बुग्याल। हालत ख़राब हो गया, बारिश हो रहा था, बर्फबारी हो रहा था। पिछले 4 घंटे से मैं यार गीला जूता पहना हुआ, पानी चला गया मोजे के अंदर, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब मैंने रुद्रनाथ का दर्शन किया ना, जो थकावट था, जो हमने नीचे से ऊपर तक गए थे, वो सारा चला गया था। तो जो भी भोले की मर्जी थी यार हमने किया। अभी भी बारिश हो रहा है, जस्ट टेंट मेरे सामने है। जाते हैं, फ्रेश अप होते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, नहाने का यहाँ कोई सर अरेंजमेंट नहीं है, बट एटलीस्ट वॉशरूम है, सो वी कैन यूज। चाय वाय पीते हैं यार, थोड़ा रेस्ट लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज यार हम लोग लिट्टी बुग्याल से जस्ट अभी चालू कर दिए हैं नीचे उतरने के लिए सगर विलेज के लिए। और कल का दिन यार बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, बहुत कुछ हुआ कल के दिन, और फाइनली हमको पता चल गया कि क्यों रुद्रनाथ इतना टफ ट्रैक कहलाता है। सिर्फ उसके ट्रैक के लिए नहीं, और वेदर के लिए भी। तो अभी आज हम लोग थोड़ा आराम से स्टार्ट किए, क्योंकि नीचे पहुँचने में हमको 4 आवर्स लगेगा, और नीचे पहुँचने के बाद हमने वैसे भी रेस्ट ही लेना है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, और जस्ट अभी हमने चाय बिस्किट खा के चालू कर दिया है नीचे उतरना। कोई भी लोग नहीं है, और आज थोड़ा भीड़ भी कम लग रहा है। सो चलिए यार नीचे चलते हैं सगर विलेज के लिए। नीचे मैं बड़ी आराम से उतरा, 20 मिनट 30 मिनट जहाँ भी कोई पत्थर मिल जाता वहाँ जाकर मैं लेट जाता, या फिर जंगलों के बीचों बीच जाकर बैठ जाता, क्योंकि इसमें ही तो सुकून है। मिलता हूँ मैं आप सभी से हमारे अगले केदार यात्रा में, पंच केदार में। आज हमारा 4th केदार पूरा हुआ, अब हम अगला जाने वाले हैं कल्पेश्वर केदार। हर हर महादेव।